पनामा लीक्स के टीओआरस पर पार्लियामानी कमेटी बनेगी। ऑपोजिशन का सेनेट और कौमी असेंबली के बॉयकॉट खत्म करने का ऐलान। खुर्शीद शाह कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाद 70 सवाल तैयार किए, अब ऐवान में एहतजाज होगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, पनामा लीक्स की शफाफियत तहकीकात होनी चाहिए, शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर-ए-आज़म समेत कोई भी एहतसाब से बाला नहीं, ऑपोजिशन में दरार पड़ने से धरने वाले अकेले रह जाएंगे, इसहाक डार भी बोल उठे। तुम बात करते हो पाकिस्तान को, बाकी पाकिस्तान को हासिल करने की, मैं कहता हूँ ख्याल करो, ये केपीके भी तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। कहाँ है नया पाकिस्तान? 2018 के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुखालिफीन पर ताबड़तोड़ हमले। वज़ीर-ए-आज़म नहीं, तुम खुद चोर हो, जमहूरी निजाम के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान के भी मुखालिफीन पर वार। वज़ीर-ए-आज़म की डूबती नाव को सहारे की तलाश, लूटमार में हिस्सा मिलने तक मौलाना साथ देते रहेंगे, तर्जमान तहरीक इंसाफ। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को सबसे बड़ा चोर करार दे दिया, एतजाज अहसन पर भी शदीद तनकीद। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म खिताब, दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक गालियां देते रहे, प्रोग्राम खरा सच ने सब कुछ दिखा दिया। सिंध के वजीर दाखला सुहेल अनवर सियाल का ताजिरों के एजाज में इस्तकबाल लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला कायम अली शाह की भी शिरकत। अली हैदर गिलानी के मुल्तान में इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, पुलिस का खसूसी सिक्योरिटी देने का फैसला। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा, मोहनजोदाड़ो में पारा 49 हो गया। एमक्यूएम ने चाइना कटिंग के लिए टीमें बनाई, चन्नू मामू और मोहम्मद अनवर निगरानी करते, मिनहाज काजी ने सब कुछ उगल दिया। अब्दुल रशीद कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर फैसला, 21 मई तक महफूज। बलोचिस्तान में करप्शन का मामला, मुस्ताफी बशीर खजाना खालिद नागू ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। कराची की मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर, ताफुन फैलने पर शहरी परेशान। मुट्ठी गर्म करो और मोबाइल पर गप्पे लगाओ, गुजरांवाला में पुलिस एहलकारों के मुलजमान पर नवाजिशें, मीडिया की निशानदेही पर पुलिस वाले आपे से बाहर हो गए। चीन के इलाके काशगर में रेत के तूफान से निजामे जिंदगी दरहम बरहम। और चीन में ही बुद्ध मत की तालीम देने वाला रोबोट आ गया।